भाई मैं नीचे बैंडेड ऑफ कर रहा हूं, उठाओ। अरे अरे कहां से? हाल चले दोस्तों, आ गए कोर्निक कमाल की डुओ कॉन्करर पुश की गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। और आप लोगों ने स्टार्टिंग तो देख ही लिया होगा कि मतलब क्या हाल है, मतलब रैंक पुश का। और जो भी बोल रहा था अपना प्लस दिखाया करो, तो मैं इस मैच में दिखाऊंगा लास्ट में कि मेरा कितना प्लस होता है और कितना हुआ। तो मैं पहले बता दूँ कि मैं दो दिन से रैंक पुश छोड़ रखा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैकर आ रहे थे। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं डालने के बाद रैंक पुश स्टार्ट करूँगा दोबारा से। और ये गेम प्ले मतलब दो दिन पहले का है, तो आप इन्जॉय करना। और इसमें हैकर से मरने के बाद काफ़ी दिमाग ख़राब हो गया था, तो मैं थोड़ा सा शुरू में सेव उतरने के बाद थोड़ा रस खेलने के चक्कर में था ताकि थोड़ा प्लस हो जाए। और फिलहाल तो अभी मैं अपना टायर भी बता देता हूँ कि टायर क्या है। तो मैं अभी डायमंड 3 पे हूँ और बस इस हफ्ते के अंदर अंदर ट्राई करूँगा कॉन्करर हो जाए अपना। और यहाँ पे उतरते समय हम उतरे थे सेफ, काफ़ी दूर आए थे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी स्क्वाड मतलब डुओ आ जाती है, तो हम थोड़ा धीरे धीरे लूट करते और इधर से उनके साइड जाते ताकि किल भी मिले, और किल मिलेगा तो थोड़ा सही प्लस होगा, यही सोच रहा था मैं। और इधर पहले लूट लाट करता हूँ, और देख सकते हो मेरे पास स्कारल है। तो अब देखो जब हम आगे जाएंगे तो उसको हम कैसे मारेंगे। तो इस साइड आते तो इस साइड भी बंदा था, और जो मैं पहले जिसकी बात कर रहा था वो दूसरे साइड था। तो मैंने टीममेट मार्क करता है और देखो मतलब इसको क्या आईक्यू लगा के हम मारते पहले। और यहाँ पे होल्ड करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि यार ज़्यादा जोश भी नहीं, जोश में भी नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं मरता तो तब भी मेरा 37 माइनस तो हो ही जाता। और काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी बार हुआ है ऐसा, और मतलब हम थोड़ा अटैकिंग खेल लेते और माइनस हो जाता है। तो फिलहाल तो मेरे जो टीममेट है वो मतलब एक नॉक कर दिया, और मैं थोड़ा सोचता हूँ कि इस साइड से जाऊँ ऊपर, लेकिन किस्मत ख़राब है, यहाँ से मैं गिर जाता हूँ। और ऊपर जाता हूँ तो मेरा टीममेट का तो एक किल हो गया था। अब वो बोलता है कि जो इसका दूसरा टीममेट आएगा उसको तू मारियो और मैं कवर दूंगा। तो मैं यहाँ पे बस टीपी पे लेके खड़े हो जाता हूँ उसको। ये जी द लेजेंड को ये हम लोग भेज दिया हेडी हेड बजा के। तो फिलहाल तो यहाँ पे इस टीम को तो मार दिए थे, और हम जाते आगे के साइड इस ड्रॉप पे। और ये ड्रॉप अब रैंक पुश का ये हाल है कि आप अगर मतलब जो भी गेम का रूल है मतलब उसको फॉलो करके सब कुछ करते हो तो आपका प्लस भी थोड़ा होने का चांस रहता है। तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई मेरा माइनस ज़्यादा हो गया तो मेरे को ड्रॉप लूटने दे। तो बोलता है चल ठीक है लूट ले वो। तो मैं खोलता हूँ और लूट लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से हम निकलते और हम सोच रहे थे कहीं एक अच्छा जगह होल्ड करें, तभी यहाँ पर हम स्कूल पर आते। और पहले तो यहाँ पे चक्कर लगाते हैं। और आप भी अगर रैंक पुश कर रहे हो तो मतलब अपने आसपास देखते रहो। और भाई साहब ये बंदा क्या ही कैंप कर रहा था यहाँ पे, और हमें थोड़ा भी पता नहीं था। वो तो भला उस गाड़ी वाले का जो यहाँ से लेके गुजरा, तो इस बंदे ने उस पर फायर किया, तो मैं पीछे से आराम से इसे खूंटी में लटका के नॉक कर दिया और साथ ही फिनिश भी। तो अब मेरा टीममेट बोलता है कि टीम मतलब गाड़ी वाले मरे, तो मैं बता देता हूँ कि नहीं ये दूसरा टीम था। तो मेरा टीममेट आगे से जाता हूँ और मैं पीछे से जाता हूँ, और मैं पीछे से जा ही रहा होता हूँ तो यहाँ पे एक बोट आता है जो कि मेरी फार के रख दिया, तो मतलब अचानक से आया और थोड़ा सा डरा दिया। खैर तो ये बोट है, और देखना मेरा जो टीममेट है कितना चुट्टा है, दोनों को अकेले ही मार देता है। तो जो गाड़ी वाले थे दोनों को मेरे टीममेट ने एक स्प्रे में ले लिया।
तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिलहाल तो यहाँ से हम थोड़ा इनसे लूट लेते और एम के मिल गया था तो काफ़ी अच्छी बात थी। अब एम के से यहाँ पे चिकन निकालना काफ़ी ईजी हो जाता है। और आपको इस मैच में ऐसे ऐसे सिचुएशन मिलेगी देखने को कि आप भी मतलब आपको भी देखने में मज़ा आएगा। तो फिलहाल तो मैं अपने टीममेट को एटेक्स दिलाता हूँ क्योंकि उसको एटेक्स चाहिए था। उसके पास आई थिंक सो कार 98 है, तो यहाँ से मैं कार 98 के लिए उसको दिला देता हूँ। तभी हम यहाँ से निकल रहे होते, हम यहाँ से निकलने वाले होते तो हमें गाड़ी का साउंड आता तो हम तुरंत यहीं पे रुक जाते और जो गाड़ी वाले आते भाई इजी उनको आराम से मार देते। और यहाँ पे भी एक किल मेरे फ्रेंड को मिला और मेरे को भी मिला तो सही था। और मतलब किल बराबर बराबर मिल रहा है तो सही है, लेकिन यहाँ पे मेरा टीममेट आगे जाके मर जाएगा। और देखना तुम्हारा भाई मतलब कैसा चिकन निकालेगा, तो इन्जॉय करना। और फिलहाल तो हम थोड़ा रस खेल रहे थे इस मैच में और यहाँ पे आते जहाँ पे दो प्लेयर चलाया गया था, तो आप बस यहाँ का फाइट इन्जॉय करो। आप यार उधर है बंदा ड्रॉप की साइड, ये सर वो सर वो पीछे 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 गिरने लगा पीछे इधर आ। चल चल ये बढ़िया तो भाई साहब एम के से बच तो गए। और मैं इसीलिए भूल रहा था पहले भी कि एम के मिल गया तो काफ़ी इजी रहेगा हमें चिकन निकालना। और बस चलाना आना चाहिए थोड़ा ठीक ठाक, मतलब मैं उतना अच्छा भी तो नहीं चला लेता हूँ लेकिन हाँ ठीक ठाक चला लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे आते इस ड्रॉप पे और अब देखो जो मेरा फ्रेंड था वो मेरे को किल दिला रहा था क्योंकि मेरा ज़्यादा काफ़ी माइनस हो गया था। तो अब जो देखो इसको तो मैं नॉक कर दिया, खोटी पर लटका दिया। और जो इसका जो टीममेट होता है वो भाई कंफ्यूज हो जाता है पूरी तरह से क्योंकि उसको सामने की साइड से भी ओम पड़ रहा था। तो अब देखो इसको मारना ईजी हो गया था मेरे लिए। अब जो सामने वाले बंदे इसको मार रहे थे उन्होंने मेरे टीममेट को यहाँ पे मतलब हम लोग की सैर करवा दी, मतलब मार दिया। तो अब तुम्हारे भाई की बारी है मतलब अपने टीममेट का बदला लेने का। तो बस अब वीडियो को एंजॉय करो और जैसे कि देख सकते हो फाइनली मेरा टीममेट नॉक हो गया। तो फिलहाल मेरा टीममेट पहले तो एक को नॉक करता है ओम से, तो दूसरा इसको नॉक कर देता है। और अब मैं स्मोक तो करता हूँ कि कैसे भी बच जाए लेकिन यार नहीं बचता है। तो खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, माइनस तो नहीं लगा होगा उसका भी, इतना तो पता है मुझे। तो अब मैं सोच रहा था यहाँ से निकल जाऊँ लेकिन मेरा टीममेट बोलता है नहीं मार, तो अब मारना है तो अब चलो इसी बहाने मेरे को किल भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आके पेड़ के पास लेट जाता हूँ। और बस देखो अब तो इजी मार दिया इसको भी। अब जोन काफ़ी छोटा हो गया था और मैं थोड़ा मैप को बड़ा कर रखा था। अब मुझे समझ में आ नहीं रहा था कि मतलब बंदे कहाँ पे मतलब है, और क्योंकि पूरा ओपन सर्कल था तो मैं सोच रहा था कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। तो जैसा जैसा मेरा टीममेट बताता है तो मैं वैसे ही करता हूँ। और मैं तो पहले चेक कर रहा था कि आगे की साइड कि कोई है नहीं ना, अगर ये क्या पता मैं जाऊँ पैदल ही तो मेरे को मार दे। तो आप भी ध्यान रखा करो रैंक पुश में यार, कहीं भी एक अंधा मतलब घुस मत जाया करो, आस पास देख लिया करो वरना यार माइनस भी हो सकता है। और माइनस अगर लास्ट में अगर आप किल भी निकाल रखे हो तो माइनस नहीं भी होगा तो जो प्लस होने वाला होगा वो भी नहीं होगा। तो फिलहाल मैं इस पत्थर के पास काफ़ी देर से रहता हूँ और सामने मेरे को बंदा दिखता है। और स्क्वाड हाउस में तो जोन नहीं था तो वो बंदा नीचे कूद जाता है। बस अब यहाँ की फाइट एंजॉय करो कि मैं कैसे चिकन निकालता हूँ। पत्थर पे आ गया
पत्थर के पीछे मेरे डाल दो ना दूर जाता यहाँ पे तो जो मेरा टीममेट बता रहा था कि पत्थर के पास बंदा है तो मैं उसको इजीली बम से मार देता हूँ। अब बचे थे लास्ट के लास्ट में दो बंदे तो उसको भी देखो मैं कैसे मारता हूँ। तो मैं अपने आगे के साइड मतलब नेट कर रहा था क्योंकि उस साइड से भी गन साउंड आया था। अब दूसरे बंदे को इजी मारा क्योंकि उसका जो गन का जो फ्लैश होता है वो मेरे को दिख गया था तो रैंडम में फायर कर दिया जिसमें वो आ भी गया। इसीलिए मैं बोल रहा था एमके से काफ़ी इजी हो जाएगा। तो आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कर देना, साथ ही चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो।